अब खबर बाढ़ के कहर की। जिस दिन से बरसात का मौसम शुरू हुआ है उस दिन से लेकर आज तक बारिश ने देश के हर कोने में आतंक मचाया है। अब बारिश का कहर हिल स्टेशन कुल्लू पर भी टूट पड़ा है, जहां व्यास नदी उफान पर है और बाढ़ के पानी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। देखते हैं कुल्लू के जनजीवन को अस्त व्यस्त करने वाली बाढ़ की खबर। बारिश के कहर ने कुछ दिन पहले केरल में हाहाकार मचाया था। हजारों जिंदगियां बर्बाद हुई थी और लाखों बेघर हुए थे। और अब जबकि बारिश का मौसम खत्म होने के कगार पर है, बारिश ने जाते जाते ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि रूह कांप उठे। हिमाचल प्रदेश में पिछले दो दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। खास करके सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हिल स्टेशन कुल्लू पर बारिश का कहर यूं टूटा है कि सब तहस नहस हो रहा है। कुल्लू में हुई मूसलाधार बारिश के चलते व्यास नदी उफान पर है। पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरने वाली इस नदी के खौलते पानी की वजह से स्थानीय नागरिक काफी भयभीत हैं, क्योंकि आप साफ देख सकते हैं कि नदी के किनारे जो बस और ट्रक टर्मिनल है उस पर खड़ी बस को देखते ही देखते व्यास का पानी कैसे निगल रहा है। यह तो गनीमत रही कि समय के रहते बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था, जिसकी वजह से कोई जीवित हानि नहीं हुई। व्यास के इस तरह के रौद्र रूप को स्थानीय नागरिकों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था और इसीलिए स्थानीय ट्रक एवं बस चालक प्रशासन को कोस रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें सुरक्षित जगह मुहैया नहीं कराई और यही वजह है कि कई बसें और ट्रक सहित छोटे छोटे वाहन भी पानी में बह गए हैं। बहरहाल अभी भी बारिश रुकी नहीं है, जिसके कारण व्यास नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और बाढ़ का पानी नदी किनारे बसे बस्तियों में शिरकत कर रहा है, जिसकी वजह से जानमाल का खतरा भी मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, करनाला टीवी।